महिंद्रा XUV 700 भारत में लॉन्च के लिए तैयार है। भारत की दिग्गज कार निर्माता कंपनी अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके इंटीरियर का वीडियो टीजर जारी किया है। कंपनी ने अपनी आने वाली नई XUV 700 के यूजर इंटरफेस एड्रिनो X को टीज किया है। इसके इंटरफेस में अमेज़न का एलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट मिलेगा। इसके फीचर की मदद से ग्राहक अपने वॉइस कमांड के जरिए गाड़ी के संरूप को खोलने से लेकर 3D म्यूजिक सिस्टम को इनेबल कर सकेंगे। यह पहली बार है जब कंपनी ने अपनी आने वाली नई XUV 700 SUV को के इंटीरियर की पहली झलक दिखाई है। इसके कैबिन के अंदर मर्सिडीज बेंज के स्टाइल में डुअल स्क्रीन सेटअप दिया गया है। कंपनी की तरफ से जारी टीजर में वीडियो में कार के कैबिन को दिखाया गया है। इसमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाई दे रहा है, जिसके डिस्प्ले में एड्रिनो एक्स का वर्चुअल इंटरफेस दिख रहा है। इस वीडियो में वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिख रहा है। टीजर वीडियो में एलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट से लैस एड्रिनो एक्स यूजर इंटरफेस की मदद से गाड़ी के ड्राइविंग मोड को बदलते हुए दिखाया गया है। ऐसे में यह साफ है कि कार को चलाने वाला राइडर अपने वॉइस कमांड से इस SUV के ड्राइविंग मोड को बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई महिंद्रा XUV 700 को नए ग्लोबल SUV प्लेटफॉर्म W601 पर बनाया गया है। रिपोर्ट की माने तो XUV 700 SUV ADAS तकनीक से लैस है। इसमें कई नए फीचर्स मिलेंगे। इसमें ओवर स्पीडिंग करने पर वार्निंग नोटिफिकेशन भी शामिल है। कंपनी का दावा है कि इस नई SUV के में ग्राहकों के कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर मिलेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो नई महिंद्रा XUV 700 में ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल दोनों का विकल्प मिलेगा। इनमें नए 2.0 लीटर एम स्टैलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल यूनिट और नया 2 लीटर का डीजल इंजन शामिल है। दोनों ही इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी विकल्प मिलेगा। इसके अलावा ग्राहकों को इसमें ऑप्शनल ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ऑटो न्यूज डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।